कि सुहागिनों के लिए वट सावित्री व्रत जो है यह कितना महत्व रखता है। तो आपने एक कथा सुना होगा सत्यवान और सावित्री का। जो सत्यवान था उसकी उम्र बहुत कम थी, जब यमराज जी उनके प्राण लेने के लिए आए और प्राण लेके जाने लगे तो उसके साथ सावित्री भी पीछे पीछे लग गई और अपने प्रयत्न से वह अपने पति का प्राण यमराज के हाथों से छीन करके लेते आए। तो यही जो ताकत है, जो स्त्री धर्म में ताकत है, जो पतिव्रता में ताकत है, वो स्त्री के लिए यह वट सावित्री व्रत जो है बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसका प्रमाण हम माता सावित्री सत्यवान के लिए दे चुकी है कि एक सती, एक सत्यवती स्त्री क्या नहीं कर सकती, यमराज तक से लड़ सकती है। तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो, तुम ही वट, तुम ही सावित्री हो। तो ये वट सावित्री जो है ये ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 6 जून 2024 को मनाया जाएगा। इसमें हिंदू विवाहित महिलाएं केवल अपने पति के लिए उपवास करती हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके आयु के लिए। उसके साथ साथ प्रत्येक विवाहित स्त्रियां चाहती है कि वह सौभाग्यवती होकर के इस संसार से जाए। कोई महिला यह नहीं चाहती है कि हमसे हमारा पहले हम चले जाएं और हमारा पति यहाँ पर, सभी चाहती है कि अपने पति से पहले मैं जाऊं, इसी को कहते हैं सौभाग्यवती रहना। इसलिए महिलाएं ये जो वट सावित्री का कथा, वट सावित्री का उपवास, वट सावित्री के दिन करती है, जिसमें सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा का महत्व को रखा गया है। इसमें महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाकर के कुछ सामग्री जैसे प्रसाद, फल, फूल, अगरबत्ती, धूप, दीप, इसके साथ साथ चना, अंकुरित मटर, जो मौसमी फल है लीची, आम, ये सब लेके जाती है एक चंगेरा में, एक छितनी में। और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है कच्चा धागा और पंखा। वो कच्चा धागा जो है वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करने के बाद, उनसे अपनी बातें रखने के बाद कि मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दीजिए, इसके साथ साथ कोई पुत्र की भी कामना करती है, क्योंकि जैसे ही नवविवाहिता स्त्री होती है वह तुरंत वट सावित्री की पूजा प्रारंभ कर देती है। तो उसकी कामना होती है कि वह जल्द से जल्द संतान को ग्रहण करे। इसके साथ महिलाएं अपने सुख की कामना, सौभाग्य की कामना, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने की कामना उस वट वृक्ष से करती हैं, जहाँ पर वो जो साथ में कच्चे धागे ले जाती है वो उस धागे को वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार लपेटती है और कहती है कि जन्म जन्म का साथ है ये तुम्हारा और हमारा, यह वट वृक्ष तुम्हें मैं एक पति की तरह मान रही हूँ, हमारे पति के साथ भी तुम 7 जन्मों का नाता, 7 जन्मों का प्यार बना कर रखना, और मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक आपके दरबार में आकर के, वट वृक्ष आपके सामने आकर के मैं नतमस्तक रहूँगी और आपकी पूजा पाठ करूँगी। यहाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो पूजा है यह पूजा बहुत ही नियम निष्ठा से की जाती है। इस दिन महिलाएं जो रजत काल में प्रवेश हो जाए उसे यह पूजा नहीं करनी चाहिए। रजत काल के मौका मतलब है कि जो महिलाएं मासिक धर्म में अगर आ जाएं इस दिन तो इस पूजा को रोक दें, वो इस अवस्था में पूजा करने न जाए, चाहे वह उसका प्रारंभ ही क्यों न हो या दूसरा तीसरा कोई भी पूजा हो, इसमें ना करें, क्योंकि यह पूजा आपकी पति के लंबी आयु के लिए, संतान के लिए, पति को अकाल कष्ट से रक्षा करने के लिए, सौभाग्यवती के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप करने जा रही हैं। अगर आपसे थोड़ी सी भी भूल हो गई तो समय अच्छा नहीं दिखाएगा। तो इसके साथ मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ यह पूजा
करने का विधान क्या है, क्यों हम लोग वट वृक्ष की ही पूजा क्यों करते हैं। तो इसका सबसे पहले कारण है कि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों का पवित्र निवास स्थान है वट वृक्ष, और उस निवास स्थान को इस तीनों का मौजूदगी मानकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का मौजूदगी मानकर वहां अपने पति के लंबी आयु की कामना करते हैं, संतान के लिए कामना करते हैं, क्योंकि वहां पर वो मौजूद हैं और उनसे कहा जाए। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है जिसे वट वृक्ष नाम दिया गया है, कहा जाता है कि वट वृक्ष पूरे संसार में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, हमारे वातावरण को सबसे ज्यादा शुद्ध वट वृक्ष ही करते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है सबको ये एक साथ अवशोषित करता है और हमारा वातावरण स्वच्छ करता है। तो इसका महत्व साइंटिफिक भी है और हम लोग उसकी पूजा इसलिए करते हैं कि यह वट वृक्ष हमारे धरती पर बना रहे, इसे कोई काटे नहीं। अगर काटने की का भी संभावना अगर होता है तो हम लोग इसे फिर से लगाते हैं, क्योंकि अगले साल फिर से वट सावित्री व्रत आ रहा है। तो जो हमारे लिए जन कल्याण का काम कर रहा है वृक्ष, उसे हम मिटने नहीं देंगे। इसलिए हमारे जो सनातनी थे, जो हमारे धर्म ग्रंथ के रचयिता थे, उन्होंने इस वट सावित्री व्रत को एक नियम निष्ठा से करने के लिए प्रावधान बना दिया गया है कि अगर ये वृक्ष धरती पर से विलुप्त हो गई तो फिर संसार कुशल नहीं रह पाएगा, ऑक्सीजन का मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके साथ एक चीज और, महिलाएं वट वृक्ष की पूजा तो करती हैं पर हमारे सराउंडिंग में वट वृक्ष घटता चला जा रहा है, क्योंकि मकान दुकान ये सब बनते जा रहा है। तो जहां कहीं भी अगर आपको वट वृक्ष का टहनी मिले, वट वृक्ष का पेड़ अगर मिले, उसे दो चार टहनी छोटा छोटा तोड़ लीजिए और वट सावित्री आने से पहले आप इसे गमला में लगा दीजिए। तो होगा क्या, तो 15-20 दिन में उसमें जड़ आ जाएगी और वो आपका पेड़ फिर से तैयार हो जाएगा और आप अपने घर पर भी इस वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, उसी नियम निष्ठा से जिस नियम निष्ठा से आप वट वृक्ष के नीचे जा करके करते हैं। बता दें, मेरा नाम पंडित मनोत्पल झा महाराज जी हाथा पूर्णिया।